हेलो फूड लवर्स, वेलकम टू आवर चैनल किचन क्लाइंबर्स। खिचड़ी के साथ खट्टा एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन है और इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं। मैं जो बना रही हूँ ये एकदम सिंपल और ऑथेंटिक स्टाइल का है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और डिटेल रिटर्न रेसिपी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स का सभी चेक करिए। पूरा वीडियो आखिर तक देखो, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। अब मैं रेसिपी जल्दी से शुरू करती हूँ। तिल का कच्चा खट्टा बनाने के लिए ऑनियन ले रहे एक मीडियम साइज की और इसको स्लाइसेस में कट कर लिए। आपके स्लाइसेस एकदम मोटे मोटे रहना। तिल एक टेबलस्पून, इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिए। इमली एक छोटे नींबू के साइज जितनी। हरी मिर्च दो अच्छे से फाइनली चॉप कर लिए। पुदीना 1/4 बंच, इसको भी फाइनली चॉप कर लिए। फ्रेश हरा धनिया 1/4 बंच। गार्लिक 8 से 10 कलियां। सूखी मिर्च दो। करेपाक थोड़े से पत्ते। राई 1/4 टीस्पून। ज़ीरा 1/4 टीस्पून। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। हल्दी 1/4 टीस्पून। 2 टेबलस्पून ऑयल। अब ये तिल जो ड्राई रोस्ट कर लिए थे, इसका हम लोग पाउडर बना लेंगे मिक्सी के जार में डाल के। एकदम दरदरा है ये। इमली का पल्प बनाना है। इस इमली से नींबू के बॉल जितनी है ये, इसमें पानी डाल के पल्प बना लेंगे। सेम इतनी इमली का पल्प मैं पहले से रेडी करके रख ली थी। अब एक बाउल में ऐड करेंगे ऑनियन, जो लंबे लंबे स्लाइसेस है। ये आपकी ऑनियन मोटी मोटी रहना। इसके अंदर ऐड करें हरी मिर्च, लाल मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। पुदीना, हरा धनिया, तिल का पाउडर, नमक आप देख संभल के डालें नमक। अब इसमें ऐड करेंगे इमली का पल्प, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, एकदम खट्टा ना हो जाए। अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हल्के हाथों से मैश कर रहे प्याज को, ज़्यादा नहीं बस थोड़ी सी। अब ये मसाला हमारा रेडी है। इसमें ऐड करेंगे पानी, ये भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। बस ये स्टेज से सारे एडजस्टमेंट्स करना है। इमली का पल्प भी थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं। ये एक ग्लास पानी पूरा इसमें लग गया और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक भी पूरा इसमें लग गया। अब हमारा कच्चा खट्टा एकदम रेडी है। बस इसमें बघार डालना बाकी है। एक टेबलस्पून पल्प बच गया हमारा इमली का। बघार के लिए एक पैन में ऐड कर रहे थोड़ा सा तेल। तेल ज़्यादा नहीं लगता बघार के लिए। इसमें ऐड कर रहे राया। जब आप बघार डाल रहे हैं तो आपका फ्लेम एकदम लो पे रहना। अब ये हल्का सा क्रैकल हो जा रहे राया। इसमें ऐड कर रहे लहसुन। लहसुन को हम लोग हल्का सा कुचल लिए। जब आप लहसुन डाल रहे हैं बघार में तो आपके खट्टे का टेस्ट एकदम बढ़ जाता। अब ये हल्का सा सॉटे हो गया, इसके अंदर ऐड करें सूखी मिर्च। सूखी मिर्च को बीच में से हम लोग तोड़ लिए, वो मुंह पे नहीं फटना बोल के। अब लास्ट में इसमें ऐड करें ज़ीरा, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाता। हो गया, अब बघार कंप्लीट हमारा। इसमें ऐड कर दिए करी लीव्स। फ्लेम हम लोग ऑफ कर दिए और ऐड करें हल्दी। हल्दी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते। बस अब ये बघार उठा के हम लोग खट्टे में डाल दे रहे। खट्टा एकदम रेडी है खिचड़ी के साथ खाने के लिए। अब ये तिल का खट्टा एकदम रेडी है खाने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो जल्दी से आप लोग इसको बनाओ और कमेंट्स में बोलो कैसी बनी आप लोगों की रेसिपी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल किचन क्लाइंबर्स को और मेरी मेहनत को। बेल आइकन रहता देखो वहाँ पे स्क्रीन पे, कैसे भी दबाओ मेरे आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।